हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, ब्लैंकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये डिज़ाइन सिर्फ 10 रोज का डिज़ाइन है, आपको 1 से 10 रोज तक ही रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 24+1 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 24+1। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। रॉन्ग साइड पर आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 24 ओनली 1 टाइम्स 24+1 एज स्टिच करके टोटल 25 फंदा डाला है। सिर्फ एक ही बार रिपीट किया है मैंने। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में एक फंदा कैसे स्लिप करिए, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद धागे को पीछे करना है। इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है इसे सीधे से। अब एन ओवर करना है। अब 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3। यहाँ तक एक बार, सॉरी, 3 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर से ये आपको फिर से करना है, 2 बार करना है। 2 फंदों को एक फंदा बनाना है। अब एन ओवर करना है इसे पीछे से। अब 3 फंदा को सीधा, 1 2 3। अब इस दो बार इसको 2 बार करने के बाद अब 1 फंदा सीधा बुनना है। फिर एन ओवर करना है इसे। अब 2 फंदों को स्लिप करना है, 1 2। अब ये 2 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से इसे। अब 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3। एन ओवर। अब 2 फंदों को स्लिप करना है इसे, 1 2। अब ये 2 फंदों को बैक लूप से 1 फंदा बनाना है। यही करना है। अब 2 बार करना है आपको। यही 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर 2 एन ओवर, सॉरी, इस 3 फंदा सीधा, 1 2 3 एन ओवर, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। यही 2 बार करना है। फिर से करना है 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एन ओवर, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से इसे। ये 2 बार करना है। अब लास्ट में 1 फंदा सीधा बुनना है। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदों को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको एक रिपीट करना है। आपको रिपीट करना है 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। यही 2 बार करना है। फिर से 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है, एन ओवर, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। इस 2 बार करना है। फिर बीच में 1 फंदा सीधा, एन ओवर, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। यही करना है। अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एन ओवर, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। यही 2 बार करना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एन ओवर, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से 2 बार, फिर लास्ट में 1 फंदा सीधा बुनना है। यही रिपीट करना है आपको बार बार। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो राइट साइड, फर्स्ट में 1 फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 4 फंदा सीधा बुनना है, 1 2
तीन चार। अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से। अब एन ओवर करना है से, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर से दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से। अब एन ओवर, एक फंदा सीधा, एन ओवर करना है। अब दो फंदों को स्लिप करना है से, एक दो। अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब तीन फंदा को सीधा, एक दो तीन। अब एन ओवर करना है एक बार पीछे से। अब दो फंदों को स्लिप करना है, एक दो, फिर बैक लूप से दो फंदों को एक फंदा बनाना है। अब ये पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। इसमें मैंने सिर्फ एक ही बार रिपीट किया है, इसलिए फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है। चार स्लिप फंदों को छोड़कर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना सीधे से, फिर एन ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना सीधे से, फिर एन ओवर, एक फंदा सीधा, एन ओवर, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एन ओवर, फिर से दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर लास्ट में पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। यही रिपीट करना है आपको बार बार। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो आपको रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो राइट साइड फर्स्ट में एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद तीन फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब यहाँ पर आपको दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर, फिर तीन फंदा सीधा दो बार करना है। दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, एन ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, ये करना है। फिर से एक बार करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, दो बार हुआ। अब बीच में दो फंदा सीधा बुनना है, एक सॉरी तीन फंदा सीधा। अब एन ओवर, दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा दो बार करना है। एन ओवर, दो फंदों को स्लिप करना है, एक दो। अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर से करना है एन ओवर, दो फंदा स्लिप, एक दो। अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, दो बार कर लिया है। और फिर लास्ट में एक फंदा सीधा बुनना है। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ही रिपीट करना है। आपको रिपीट करना है तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर एन ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। ये दो बार करना है, दो बार करना है। फिर से दो फंदों को एक फंदा बनाना है, एन ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन।
अब एन ओवर दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, ये भी दो बार करना है। फिर से एन ओवर दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, दो बार। फिर आपको लास्ट में एक फंदा सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब सिक्स रो, सिक्स रो आपको रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब सेवेंथ रो, सेवेंथ रो राइट साइड फर्स्ट में एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो। अब यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर एन ओवर तीन फंदा सीधा दो बार करना है, दो फंदों का एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब फिर से करना है यही, दो फंदों का एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब दो फंदा सीधा बुनना है बीच में, एक दो। अब यहाँ पर एन ओवर दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा दो बार करना है, एन ओवर दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से एक बार करना है, एन ओवर दो फंदा स्लिप, एक दो, फिर बैक लूप से दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको रिपीट करना है स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। आपको रिपीट करना है दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, ये आपको तीन बार करना है। फिर से करना है दो फंदों को एक फंदा बनाना है, एन ओवर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, दो बार करना है। फिर आपको बीच में दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एन ओवर दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, ये आपको दो बार करना है। फिर से एन ओवर दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, ये करना है आपको बार बार। फिर आपको फिर एट रो आपको रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब नाइन्थ रो, नाइन्थ रो राइट साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक। अब यहाँ पर दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर एन ओवर तीन फंदा सीधा दो बार करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एक बार हुआ। अब फिर से करना है, दो बार करना है आपको, दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब चार फंदा दो बार हुआ, अब चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन, तीन चार, चार फंदा सीधा, फिर एन ओवर करना है इसे, अब दो फंदों को स्लिप करना है, एक दो। अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, अब तीन फंदा को सीधा, एक दो तीन, फिर एन ओवर करना है, फिर दो फंदों को स्लिप, एक दो।
अभी दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो, ये रिपीट करना है आपको। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, एक फंदा सीधा बुनना है फर्स्ट में, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है एंड ओवर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, इस फंदा को फिर से करना है दो बार करना है। देखिए दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर एंड ओवर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर इस दो बार करने के बाद आपको चार फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन चार, फिर एंड ओवर, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एंड ओवर, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर लास्ट में दो फंदा और सीधा, एक दो, ये रिपीट करना है आपको बार बार। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब टेंथ रो रॉन्ग साइड एंड लास्ट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टेंथ रो लास्ट रो सब उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। देखिए टेन रो में आपको इस डिजाइन आएगा, आपको वन से टेन रो तक ही रिपीट करना है, फिर से आपको ये राइट साइड से यहाँ से रो वन से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। आपको वन से टेन रो तक ही रिपीट करना है। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।